हम सूर्य पुत्र शनि देव की अद्भुत कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री शनि देव के चरणों में हम शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई कहते वेद पुराण, प्राण जाए पर वचन न जाए जाने सकल जहां। रघु के राज में कोई व्यापारी जाता नहीं निराश, नहीं बिकता जो सामान खरीद के रखते अपने पास। सुंदर मूर्ति की रचना एक मूर्तिकार कर डाली, आंख फूटी थी मूर्ति की और मूर्ति पड़ गई काली। सोचा मूर्ति कोई न लेगा रघुराज में आया, शाम हो गई मूर्ति को कोई खरीद नहीं पाया। राजा रघु मूर्ति लेने बाजार में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनि देव महाराज प्रभु रखना मेरी लाज, हे शनि देव महाराज प्रभु रखना मेरी लाज। राजा रघु से बोले शनि मूर्ति में है मेरा वास, जहाँ जाऊँ जिस राज में उसका कर देता हूँ विनाश। मेरी वक्र दृष्टि पड़ते ही सब कुछ जल जाता, लाख कोई कोशिश कर ले पर बच नहीं पाता। राजा रघु अब तेरा भी होने वाला है नाश, मूर्ति को बाजार से क्यों तू लाया अपने पास। डर गए राजा रघु सुन के शनि देव की ये बात, शनि देव को वश में नहीं करने की मेरी औकात। राजा रघु रावण को अपने महल बुलाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। का जब हुआ समापन राजा रघु मुस्काए, दान देने को शनि की मूर्ति लेकर के आए। कपड़े से ढके मूर्ति को दिया रावण को था दान, मूर्ति को लेकर रावण ने लंका किया प्रस्थान। तीनों लोक जीता था रावण ज्ञानी और बलवान, शीश दिया था दान शिव जी को भक्त था बड़ा महान। शनि को लेकर लंका पहुंचा महल में आलीशान, कपड़ा हटाया तो शनि बोले तुझे मेरी नहीं पहचान। लंका का विध्वंस करूंगा शनि बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनि देव महाराज प्रभु रखना मेरी लाज, हे शनि देव महाराज प्रभु रखना मेरी लाज। रावण बोला सुनो शनि तुम बात लगा कर ध्यान, सभी ग्रहों को बंदी बनाया तेरा नहीं कल्याण। मेरे डर से छुपके भी तू बचने ना पाया, सारे ग्रहों के संग शनि को भी उल्टा लटकाया। ग्रह नक्षत्र को कैद किया रावण को हुआ अभिमान, अमर बनाऊं पुत्र को अपने सोच रहा बलवान। 20 भुजा 10 शीश का रावण ज्ञानी और विद्वान,
देवलोक में उसके जैसा नहीं था कोई महान। पुत्र जन्म के दिन भी अब नजदीक में आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनि देव महाराज, प्रभु रखना मेरी लाज। हे शनि देव महाराज, प्रभु रखना मेरी लाज। पुत्र जन्म से पहले रावण शुभ मुहूर्त बनाया, बंदी ग्रहों को शुभ जगह पे रावण ने बैठाया। पुत्र अमर होगा सुनकर देवों का दिल घबराया, बनी बात बिगाड़ने हेतु नारद को है पठाया। नारायण कहते नारद आए रावण के पास, रावण से बोले नारद है मुझको नहीं विश्वास, कैसे पुत्र अमर होगा तेरा मुझको बतलाओ, कहाँ कैसे है ग्रह नक्षत्र जरा मुझको दिखलाओ। नारद रावण दोनों शनि के पास में आते हैं, नारद जी मुस्काते हैं, कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। नारद किए इशारा शनि से, शनि करना तुम न्याय, देखना तुम रावण का पुत्र कहीं अमर न होने पाए, नहीं तो देवताओं के बीच में देगा तबाही मचाए। नारद बहुविधि करके इशारा शनि को दिए समझाए, शुभ मुहूर्त को अशुभ किए शनि कदम को दिए बढ़ाए। बलशाली रावण ने पैर पे वज्र को दिया चलाए, टूटा पाँव शनि देव का दर्द से शनि रहे चिल्लाए। दुष्ट दशानन शनि देव को पंगु दिया बनाए, शनि शनि चल शनि शनिश्चर कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे शनि देव महाराज, प्रभु रखना मेरी लाज। हे शनि देव महाराज, प्रभु रखना मेरी लाज। क्रोध से कारावास में रावण शनि को बंद कराया, हनुमान ने लंका जलाकर शनि को मुक्त कराया। शनि और हनुमान दोनों मिलके लंका जलाए, वक्र दृष्टि से शनि देव की कुछ भी न बचने पाए। त्राही मचा लंका नगरी में शनि देव मुस्काए, अन्यायी के शत्रु शनि न्यायी के मित्र कहाए। शनि देव को जो भी पूजे सारे सुख वो पाए, संजय बादल पड़े चरण में अपना लीजो बनाए। शनि की लीला देख देवता फूल बरसाते हैं, देवता फूल बरसाते हैं, कैसे लंका विध्वंस किए सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।